नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और आज हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, कम या ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थोड़ी माफी चाहूंगा, थोड़ा आवाज खराब है, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना है तो दैट इज नेसेसरी। चलिए दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऐसे कौन से फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन का स्पीड अप हो जाता है, कोई कम हो जाती है, कोई ज्यादा हो जाती है। अब सीधी सीधी बात है, अगर आप रिएक्टेंट्स की बात करें, भाई केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो रिएक्टेंट्स होंगे। अगर किसी रिएक्टेंट में एक मेटल है, वो किसी से रिएक्ट कर रही है, आप कुछ प्रोडक्ट बना रही है, अब जो मेटल हम ले रहे हैं उसमें अगर मोर रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वहां पर वो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाती है, वहां रेट बढ़ जाता है, क्विकली हो जाती है। अभी आप देखो, अगर आप सोडियम को पानी में डालते हो, अगर आप सोडियम को पानी में डालते हो तो कितनी क्विकली वो रिएक्ट करती है और वो वहां पर पूरा का पूरा ये हो जाता है। तो ऐसा ही हमको फर्स्ट पॉइंट देके रखा है, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स है उसका नेचर कैसा है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो रिएक्शन है उसका रेट कैसा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 गैस इज लिबरेटेड एंड वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स आर फॉर्म्ड। मतलब अगर हम बात करें किसकी, जिंक की और एल्यूमिनियम की, जिंक और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब आप HCl से रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ ही में वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स भी बनते हैं। मतलब वहां हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स तैयार होंगे, ओके, इन मेटल्स के द्वारा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, हाउएवर द रिएक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर देन कंपेयर टू द जिंक मेटल। अब अगर यहां पर क्या होता है कि एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन होती है और ZN की रिएक्शन होती है, दोनों की होती है, लेकिन एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन होती है वो मोर फास्टर होती है, मोर क्विकली होती है, ऐसा बोले वो जल्दी से होती है, जबकि यहां पर इतने कंपेरेटिवली इससे ये स्लो होती है, ओके। तो ये यही बात यहां देखे रखिए, मैंने आपको क्या कहा कि भैया जो रिएक्टेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो वहां वो फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही में क्या देख रखा है, द नेचर ऑफ द मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। जो नेचर होता है रिएक्टेंट्स का या मेटल्स का, यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर दोनों के दोनों मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, और इसीलिए आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जहां पर जिस तरह का रिएक्टेंट होगा उस तरह का उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ द जिंक। भैया जो एल्यूमिनियम है, बात क्या है, एल्यूमिनियम जो है मोर रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है। अब मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर वो उसका जो रेट होगा, इसका केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो हायर होगा, सीधी सीधी बात है ना। अगर आप जो मोर रिएक्टिव को लेंगे तो वहां पर आपको इफेक्ट देखने को ही मिलेगा, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि मोर रिएक्टिव को लिया तो आपको रेट चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है पहला जो पॉइंट लेके रखा है, दैट इज कि जो रिएक्टेंट्स की जो क्वालिटी है, जो नेचर है, वो मेन उसमें आता है, ठीक है। इसमें आगे हमें देखे रखा है, नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा नेचर होगा या जैसी उसकी रिएक्टिविटी होगी, वो किसकी, रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी या जैसा उसका नेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेचर एंड रिएक्टिविटी के ऊपर ही पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है ना। अगर जो नेचर है यहां पर मोर रिएक्टिव है तो वो क्विकली हो जाएगी, और मोर रिएक्टिव नहीं है तो फिर वो स्लो होगी। यही सिंपल सी बात है और इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे इसमें आते हैं, आगे इसमें देखे रखा है पॉइंट सेकंड, दैट इज साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्शन। भैया साइज, अब सीधी सीधी बात है, अगर कोई साइज आप किसी रिएक्शन करवा रहे हो, किसी रिएक्टर में आप पूरा का पूरा इतना बड़ा पीस डाल दे रहे हो किसी चीज का, तो वहां पर उसका फर्क पड़ेगा, और अगर आप उसका पाउडर बना के डालोगे तो उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। वही चीज आपको यहां देके रखिए, ठीक, आप अगर किसी भी रिएक्टेंट का बड़ा पार्टिकल ले लेते हो तो उसको रिएक्ट करने में स्लो रिएक्ट करेगा,
ठीक है, लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स करके डालोगे तो क्विकली रिएक्ट करेगा। और वही चीज याद देख रखिए, द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स है उनकी साइज क्या है, उनकी जैसी साइज होगी, उनकी जैसे साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी वहां पर रिएक्शन का रेट क्या होगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर द रेट ऑफ द रिएक्शन। जितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वहां पर रेट उतना ज्यादा होगा, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे वहां पर रेट उसका कम होगा, है ना, स्लो चलेगी, बड़ा छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो क्विकली होगी, वहां पर रेट उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। दो पॉइंट हो गए आपके मेन, पहला पॉइंट हो गया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, दूसरा पॉइंट हो गया साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला देख रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में आपको देखने मिलेगा कि कुछ रिएक्शंस में एसिड यूज करते हैं, अब कुछ रिएक्शंस में डाइल्यूट एसिड्स यूज करते हैं, कुछ में कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं। तो भैया कॉन्सेंट्रेटेड से तो ज्यादा रिएक्शन होगी होगी। आप देखिए ना, आप अगर आपके हाथ पर HCl आपके हाथ में लग जाए डाइल्यूट तो कुछ नहीं होगा, आपके हाथ में डाइल्यूट H2SO4 ऊपर लगेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड आपके हाथ पे गिर जाए गलती से, ऐसा भगवान ना करे ऐसा कभी हो, तो उसका आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट बड़ा खराब होता है। तो जब भी आप केमिकल लैब में जाते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, बड़े सावधानी से इनको कीजिए, बड़ा खतरनाक होता है इन चीज़ों से खेलना। हालांकि स्कूल में जो दिए जाते हैं वो मोर रिएक्टिव नहीं होते, मतलब उसका इतना इफेक्ट नहीं होता कि जितना हो जाए। मेन तो ऐसे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स जाते हैं वो बड़े घातक होते हैं। चलिए वो हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा तो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर्स। तो क्या देख रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स रिएक्ट फास्टर देन द डाइल्यूट एसिड्स, वही बात मैंने आपको कही, विच मीन्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर्स। मतलब जितना ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन आप लोगे, जितना हायर आप एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लोगे उतना ज्यादा हायर आपको उसका रेट मिलेगा। ओके, ये बात समझ लीजिए। आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हो, थोड़ा उसमें पानी में थोड़ा मिला देते हो तो फर्क पड़ते जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल डायल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विद द कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर बाय कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपीयर स्लोली एंड CO2 ऑल्सो लिबरेटेड स्लोली। ऑन द अदर हैंड द रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेटेड HCl टेक्स प्लेस रैपिडली एंड CaCO3 डिसअपीयर फास्ट। वही बात है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड को डालोगे तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं। इसमें अगला पॉइंट हमें देके रखा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए भाई, टेम्परेचर की बात होती है, आपको याद होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में इस पेज पे, पेज नंबर 40 में ही आपको ऊपर देके रखा था कि कुछ जगह पर कंडीशंस भी बहुत मायने होती है। जब हम मिल्क की बात करें, जब आप दही बनाते हैं, दही जमाते हैं, तो गर्मी के दिनों में बड़ा क्विकली हो जाता है, और जबकि ठंडी के दिनों में वो रेट स्लो होता है। ये चीज आपको पेज नंबर 40 पे देख रखी, हालांकि हमने ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। और वही चीज यहाँ देख रखी, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन क्या देख रखा है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द लाइम स्टोन द लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग द लाइम स्टोन बिकॉज ऑफ द जीरो रेट ऑफ द रिएक्शन। फ्रॉम दिस इट इज लर्न दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें। मैंने अभी आपको कर्ड का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली कर्ड पे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्विकली वो वहां पर आपको देखने मिलेगा कि जल्दी से दही जम जाता है। अच्छा एक और चीज बताओ, डिकम्पोजिशन की बात हो रही है यहाँ पर, मैं आपको डिकम्पोजिशन का एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे बताइए, खाना, हमारा जो खाना होता है वो बहुत गर्मी के दिनों में बड़े जल्दी खराब हो जाता है ना, और जबकि ठंडी के दिनों में ऐसा नहीं होता। तो ऐसा होने का कारण क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर की बात है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो जल्दी खराब होगा, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा हम क्या करते हैं, फ्रिज में क्यों रखते हैं, तो वहां पर जो हमारे फूड स्टफ होते हैं, जो खाने की चीजें होती हैं, उसका डिकम्पोजिशन या उसका खराब होने का प्रोसेस की रेट बहुत कम हो जाती है। फ्रिज में क्या होता है कि वो 5 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनने नहीं देता। ठीक है, तो वहां पर जो स्पीड अप है या उसका रेट जो है वो कम हो जाता है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो ऑलरेडी हमारे डे टू डे एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलती है। तो आराम से, अब तो 4 पॉइंट हमने देख लिए। पहला पॉइंट हमने देखा नेचर, दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि साइज ऑफ द पार्टिकल्स, तीसरा पॉइंट हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन, और चौथा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, और चौथा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। और इसमें अगला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोल ऑफ कैटलिस्ट।
अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं भैया कि जो रिएक्शन में भाग नहीं लेते लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेते लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस स्लोली, द रेट ऑफ द अबो रिएक्शन नीदर इंक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर। हाउएवर पोटेशियम क्रोमेट डिकम्पोजेस रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीज डाइऑक्साइड टू लिबरेट ऑक्सीजन गैस, नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, द सब्सटेंस इन दोज प्रेजेंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में वहां पर उनकी प्रेजेंस से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, बाकी वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। ओके, वो क्लियरली यहां देके रखा है विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज वहां पर जो केमिकल चेंज होने वाला है उसको कोई कॉज नहीं करते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन उनके कारण जो स्पीड अप है, जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो बढ़ जाता है। बड़ी सिंपल सी बातें इसमें देखे रखिए, कुछ भी इस पर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें आगे हम आते हैं, आगे आपको पेज नंबर 41 पे देके रखा है, दैट इज डू यू नो। डू यू नो में क्या देके रखा है, पहला पॉइंट, वन और मोर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज, वन और मोर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वहां पर एक या एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन तो होगी होगी। अगला पॉइंट लेके रखा है, सम केमिकल रिएक्शंस ऑकर एट फास्ट स्पीड वेरस सम ऑकर एट स्लो स्पीड, वही बात है आपको मैंने बताया, कुछ क्या होते हैं, कुछ तेजी से होते हैं कुछ धीरे धीरे होते हैं, तो कुछ भी इसमें बात नहीं है ये आप जानते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या देख रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलते हैं, अगर एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाए तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको एसिडिटी हो जाती है तो आपको बेस लेना होता है, तो आपके पेट के अंदर जो एसिड तैयार हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ओके, तो इस तरह की बात होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, आगे आपको आएगा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बताऊंगा मैं। इसमें अगला पॉइंट लेके रखा है, इन अवर बॉडी एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, उनके रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे देखे रखा है, पेरिशेबल फूड स्टफ्स गेट प्रिजर्व्ड लॉन्गर इन द रेफ्रिजरेटर, द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड स्टफ्स गेट लोअर्ड ड्यू टू द लो टेम्परेचर एंड इट्स फ्रेशनेस इज मेंटेन। मैंने ये चीज तो अभी आपको बताई कि फ्रिज के अंदर जो चीजें होती है वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होती, खराब जल्दी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं फूड स्टफ के उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन रखते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है तो बड़ा वो मेंटेन रहता है, वहां पर चीजें जल्दी खराब नहीं होती। अगला पॉइंट लेके रखा है, वेजिटेबल्स कुक क्विकली ऑन ऑयल रादर देन वाटर, आप जानते हैं इसको कि जो वेजिटेबल्स हैं वो तेल के अंदर बड़े तेजी से पक जाते हैं जबकि पानी में उसको टाइम लगता है, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, डे टू डे लाइफ की बात है जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इनको आप ऑब्जर्व करें, साइंस क्या है आपको ऑब्जर्व करना है, आपके चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही हैं आपको निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है, और उसमें आपको सब समझ में आ जाता है कि क्या है, ठीक है। तो ये फिजिक्स कहें, केमिस्ट्री कहें, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ होते रहता है, आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब ये वेजिटेबल वाली बात ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। इसमें अगले पॉइंट पे हम आते हैं, अगला पॉइंट देख रखा था, केमिकल रिएक्शंस आर प्रॉफिटेबल इन द केमिकल फैक्ट्रीज इफ द रेट इज फास्टर, सीधी सी बात है, केमिकल फैक्ट्रीज में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको फास्टर करवाया जाता है क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा तो भैया लोग वहां अटके रहेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा तो फैक्ट्री उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अगर रेट ज्यादा है, अगर स्पीड अप से होती है तो केमिकल फैक्ट्रीज ज्यादा वहां पर केमिकल्स तैयार करेगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, वो भी जरूरी, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंस है उसका, अपना महत्व है, ठीक है। द ओजोन लेयर इन अर्थ एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, हम जानते हैं कि जो ओजोन की जो लेयर है वो क्या करती है, ओजोन की लेयर कहाँ है, हमारे एटमोसफेयर में, तो हमारे एटमोसफेयर में जो ओजोन की लेयर है वो क्या करती है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आती है जिससे हमको स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत घातक बीमारियां हो सकती है, उससे हमको बचाती है। द प्रोसेस ऑफ द डिप्लीशन और मेंटेनेंस ऑफ दिस लेयर डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल, भाई अब इसके अंदर आपके आप जानते हैं कि ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जगह पर उसमें छेद भी हो गया, क्यों हो गया, वहां पर कुछ जगह डिप्लीशन हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए हमको बात सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी कमाल है और आप भी जानते हैं इसको, ओजोन लेयर पर आपको मुझे लगता है लास्ट ईयर उसके पहले भी आपने पढ़ा होगा,
और उसको बचाने के लिए हमको सोचना चाहिए। तो जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है वो या तो गायब हो जाए या फिर वो बढ़ जाए, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओजोन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आज ये पूरा का पूरा देखे रखा है, तो इस तरह से आपको ये करना है। आई डोंट थिंक ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, थ्योरी है पूरी की पूरी, और ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया। हाँ, कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई, अब कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा कि नेचर ऑफ द रिटर्न में और क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आपको अगर एनसीईआरटी का बुक मिलता है तो और अच्छा होगा, आपको वहां से भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। धन्यवाद।